गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा रंग का मुख्य मार्ग पर ट्रक की चपेट में आने से एक की मौत, एक घायल। एक घंटे तक रहा सड़क जाम। गढ़वा घटना के बाद लगी वाहनों की लंबी कतार। गढ़वा रंग का मुख्य मार्ग पर नारायणपुर गांव के पास ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई है, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार एक युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना में मृतक गढ़वा थाना क्षेत्र के पचपड़वा गांव निवासी विष्णु रावत का पुत्र शिवम कुमार 21 वर्ष बताया गया है, जबकि इस घटना में घायल बिहार के गया जिला के राज बल्लव राम का पुत्र राजा कुमार 25 वर्ष गंभीर रूप से घायल है। घटना के बाद आसपास के लोगों के द्वारा घटना में घायल युवक को आनन फानन उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल गढ़वा में भर्ती कराया गया है, उसका इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में परिजनों ने बताया कि मृतक के चचेरी बहन का शादी था, जिसके कारण यह लोग अपने मोटरसाइकिल से पेट्रोल पंप डीजल लेने आए थे। डीजल लेकर वापस घर लौट रहा था, उस बीच नारायणपुर गांव के पास एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार एक ही हालत गंभीर बताया गया है। घटना के बाद ट्रक चालक ट्रक छोड़कर भागने का प्रयास कर रहा था, लेकिन आसपास के लोगों के सूझबूझ से ट्रक चालक को पकड़कर लोगों ने जमकर पिटाई कर दी। घटना के बाद परिजनों ने आक्रोशित होकर सड़क पर उतर कर लगभग एक घंटे तक सड़क को जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझा बुझाकर किसी तरह जाम को समाप्त कराया। वही शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने ट्रक को भी जब्त कर थाना ले आई है। मृतक का चचेरा दो बहन की थी शादी। मृतक शिवम कुमार का दो चचेरी बहन की थी शादी, उसी की बारात आनी थी, जिसकी तैयारी में शिवम कुमार भी जुड़ा हुआ था। शिवम कुमार जनरेटर में डालने के लिए डीजल को लेने गढ़वा के पेट्रोल पंप पर आया हुआ था। पेट्रोल पंप से डीजल लेकर जब तक वह घर पहुंचता कि घर से कुछ ही पहले नारायणपुर गांव के पास एक ट्रक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया। वहीं मुखिया पति वीरेंद्र राम ने बताया कि यह घटना बहुत ही दर्दनाक है और लड़की के घर में आज शादी भी थी, दो बहन का बारात भी आने वाला था। तेज गति में गाड़ी आ रही थी ट्रक, और जो है हमको लगता है कि शराब के नशे में ड्राइवर था ट्रक का, और जो है रॉन्ग साइड में जाके मारा है। और जो है उनके यहाँ बारात आ रही थी, उनके यहाँ दो बच्चियाँ का शादी भी है, ये बच्चा लोग तेल लेने गए थे, वो लेके आ रहे थे अपने साइड से, और ट्रक जो है ड्राइवर जो है शराब के नशा में था, वही जो है रॉन्ग साइड में आकर के और कुचलने का काम किया है, जो माथा से पूरा माथा वाथा से ही फेंक दिया है और स्पॉट डेथ हो गया है। एक लड़का और था, वो भी उसको भी चोट लगा है, कानों से ब्लड वगैरह आया है ना, वो रिलेशन के लड़का था। हो गया। और ये बहुत दर्दनाक घटना है, इस पर हम यही कहना चाहते हैं कि जो है सरकार तरफ से जो है इनकी आर्थिक सहायता और विधिवत मदद मिलना चाहिए, जो इनकी भरपाई तो कोई कर नहीं सकता है, लेकिन भरपाई करने का काम करने का हम आग्रह कर रहे हैं सरकार से, जो उनके मदद। क्या नाम था लड़का? शिवम कुमार। पिता का नाम विष्णु राव था। दो लड़कियां का शादी है, जोर से थोड़ा। हमारी लड़की की शादी है, हमारा भतीजा है शिवम कुमार, जनरेटर में तेल लेने के लिए गया था, वो ठंडा तेल लेके वापस आ रहा था, इसी बीच में रॉन्ग साइड में ला करके जो है से ट्रक वाला ड्राइवर ड्रिंक भी किए हुए था ड्राइवर, तो जो है से बहुत बड़ी क्षति है जिसकी भरपाई नहीं कह सकती। सही बात, क्या कहना भैया जी? मैं क्या कर सकता हूँ, हमारे ऊपर जो आज की दिन में जो परिस्थिति आया है, हमारे घर में जो दो लड़कियाँ शादी है, तो इस तरह के घटना है, इसमें हम कुछ करने का समझ में आ रहा है ना, कुछ करने का समझ आ रहा है। प्रशासन की ओर से जो होगी, मैं चाहूँगा कि ड्राइवर को कड़ी से कड़ी सजा मिले और उसको जेल भेजने के अलावा भी ऐसी व्यवस्था बनाई जाए, जो कि आने वाला दिन में जिस तरह से हो रहा है और लोग साथ ना हो सके। अब आपके शहर गढ़वा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए एकमात्र विद्यालय ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल, जहां बच्चों के लिए डिजिटल क्लासरूम, एसी क्लासरूम, प्रत्येक बच्चों के लिए आधुनिक कंप्यूटर लैब, इंडोर आउटडोर गेम, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, बस की सुविधा,
साइंस लैब के साथ साथ वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर प्रशिक्षित शिक्षकों के द्वारा एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से पाठ्यक्रम को सरल बनाकर अंग्रेज माध्यम से शिक्षा प्रदान कराई जा रही है। एडमिशन ओपन क्लास प्री नर्सरी टू क्लास 8 फोर्थ सेशन 2023-24 ऑक्सफोर्ड पब्लिक स्कूल एड्रेस नारायणपुर टंडवा गढ़वा।